कोरोना नियंत्रण के लिए झुंझुनू जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। झुंझुनू CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी और निजी चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों में 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं और वयस्कों के लिए निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। जिले का जो अभी वैक्सीनेशन है, फर्स्ट डोज करीब 90% है, सेकंड डोज 52% है। अभी जो हम सोच रहे हैं टारगेटेड ग्रुप्स हैं, जैसे कॉलेजेज हैं, उसमें सारे बच्चे 18 साल से ज़्यादा होते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं कम से कम उन सारे बच्चों को आज के दिन पूरे ज़िले में करीब 137 के आसपास जो कॉलेजेज हैं उन सब जगह पर इस तरह से एक दिन में लग के और हम बाकायदा वैक्सीनेशन करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाएंगे। झुंझुनू ज़िला अभी कोविड वैक्सीनेशन में अच्छी पोजीशन में है। इसको बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमने आज सभी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ITI कॉलेज सभी में हमने वैक्सीनेशन आज रखा है और हमें आशा है कि सभी कॉलेज हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ है, वो मिल करके बहुत अच्छा प्रयास इसमें करेगा और अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। आज हमारे हम MD कॉलेज विज्ञान विश्वविद्यालय में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां पर लड़कियों को वैक्सीनेशन कार्य में सम्मिलित किया गया है और उनको अस्पताल में जाने की बजाय यहीं पर सारी सुविधाएँ वैक्सीनेशन की मिल रही हैं। आज हमारे कॉलेज MD में बहुत सभी लड़कियों को वैक्सीनेशन किया गया, सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है।